ಅಂದು ಬಿಬುನಿ ಸ್ನೇಹ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವರ್ಣ ಸಾಗರ ಮಂದಿರನವ ಅನ್ನನ ಕೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾದಿಯ ಕಂಡ್ರ ಪಪ್ಪಾಮತಿ ನನ್ನ ಹಾತ್ ಜೋಡಕೊಲೆ ಹೇ ಗುರುದೇವ್ ನಮೋಸ್ತು ಹೇ ಗುರುದೇವ್ ನಮೋಸ್ತು ಹೇ ಗುರುದೇವ್ ನಮೋಸ್ತು ಜಯಕಾರ ಗುರುದೇವಿಕಾ ಅಯ್ಯೇ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ ಅಪ್ನ ಸ್ಥಾನ ಲೇಂಗೆ ಸಂಸ್ತುತ ಸಕಲ ವಾಂಗ್ಮಯ ತತ್ವ ಬೋಧ ಸಂಪೂರ್ಣ
స్త్రీ జగదీశ్వరి भगवान भगवान तो सब एक है, बोलते नहीं।
इसलिए क्या फर्क पड़ता है, गंगा जाओ तो गंगा दास, जमुना जाओ तो आदिनाथ के पास जाओ तो नमस्ते, और इधर उधर जाओ तो यही तो गलत हो गया ना। आप उधर जाके जय जिनेन्द्र बोलते हो, इनडायरेक्ट में कह देते हो जाओ जिनेन्द्र तुम्हारा काम खत्म, इधर काम मजबूती चाहिए, मजबूरी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मजबूरी में तो कई चीजें सामने आती है, क्या सामने आती है? लेकिन जैन दर्शन तो बड़ा कठिन है। जैन दर्शन की विशेषता है, जैन दर्शन समन्वय को नहीं समर्पण को स्वीकार करता है। किसको? समन्वय को नहीं समर्पण को स्वीकार करता है। समन्वय का अर्थ तो होता है ढीलापन। ठीक है भाई तुम भी खुश और हम भी, ठीक है भाई काम चलने दो। और कितनी बार ऐसा होता है, सामाजिक काम में समन्वय चाहिए और धार्मिक काम में समर्पण चाहिए। जो ये चीज समझ लिया तो सारा मामला ही बदल जाता है। इसीलिए यहां पर कह रहे उनके ऊपर फिर वही दबाव डल गया। तुम ऐसा कह रहे हो सब भगवान भगवान तो एक है, यही हमारे परम पुरुष है, तपस्वी है, अचिंत है, दिव्य है, दोनों में थोड़ा थोड़ा ज्ञान चलने लग गया, बातों का द्वंद्व। किसका द्वंद्व? और अतीत में आप देखोगे तो धार्मिक दृष्टिकोण से किसका द्वंद्व चलता था? बातों का। इसलिए जब चाहे तब घंटी बजाए और शास्त्रार्थ चालू, क्या बजाता था? घंटी बजाओ और शास्त्रार्थ, और तैयारी बैठे रहते थे पंडित लोग पोथी पुराण दिए, क्या लिए तैयार बैठे रहते हैं कि तो वहां मैदान में फिर मजा ले। और ये शास्त्रार्थ 47-50 तक चलता रहा है जेएनयू में भी। पहले तो जैन अजैन का चलता था और बीच में फिर शास्त्रार्थ चलने लगे थे तो आर्य समाज से ज्यादा होने लगा था। अंबाला में अंतिम शास्त्रार्थ हुआ था, बस कहां पर हुआ था? अंबाला में, आर्य समाज और जैन समाज का चलता रहता ये सब, ये विचार विमर्श है। लेकिन जब वही क्रूरता में बदल गया था तो मंदिरों पे आ गया, वही और क्रूरता में बढ़ गया था तो साधुओं की हत्या में भी, ये सब धार्मिक झंझट सबसे ज्यादा है। इसीलिए तो कहते हैं इतिहास के पन्ने को पलट करके देखोगे तो जितनी लड़ाइयां दो देशों में नहीं हुई है उससे 100 गुना लड़ाइयां दो धर्मों में हुई है। जितनी लड़ाइयां दो देशों में नहीं हुई है उतनी लड़ाइयां किसमें हुई है? दो धर्मों। जितनी लड़ाइयां दो परिवारों में नहीं होती घरों में उतनी लड़ाइयां दो व्यक्ति में मंदिर में हो जाती है। ये संसार का रूप है ऐसा विपरीतता का। आप कभी कभी महसूस करोगे तो आपको एहसास होने लग जाएगा। घर व्यापार साधनों में आप आपस में एक से मिल जाते हैं, लेकिन जहां धर्म की बात आती है वहां पर एक मिनट में लड़ बैठते हैं। कितना अंतर पड़ जाता है। वो चीज उस समय भी चल रही थी, तब फिर आचार्य मानतुम ने कह दिया ठीक है तुम ऐसा कह रहे हो तो लो सुनो, और लो सुनो कह करके फिर श्लोक दे दिया। कौन सा दे दिया? त्वामामनंती मुनयः परमं पुमांस आदित्य अर्ण अम्लं तमसः पुरस्तात् त्वमेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युम् अन्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्थाः त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांस। सम्यक्
सत्यम नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वमा मनन्ति आपको ही मानते हैं मुनियः मुनि लोग परमं पमांसः परम पुरुष कौन सा परम पुरुष परमात्मा परम पुरुष किसको कहते हो परमात्मा को कहते हो किसको कह देते हो परमात्मा को कहते हो लेकिन अपने यहां परम पुरुष का प्रयोग कम होता है किसका प्रयोग कम होता है परम पुरुष कम होता है भगवान को कह देते परम पिता है परम पिता कहते हैं लेकिन अगर शास्त्रीय दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो फिर कहते हैं कि परम पिता बोलोगे तो वो सृष्टि को जन्म देने वाला है क्या पिता का अर्थ जन्म देने वाला होता है लेकिन उस जन्म देने वाले को भी बताएंगे अभी कि आप जन्म देने वाले भी हो विधेर विधेन विधानात सब अभी 3-4 श्लोक सिखाएंगे अभी तो उस समय चलता था कि परम पुरुष से जन्म देने वाला तो जय जी कहते थे नहीं भगवान जन्म देने वाले और इसी विषय पर टेंशन चलता था शास्त्रों में टेंशन किस बात का है इसी बात का तो है लेकिन एक सैद्धांतिक रूप है ये कौन सा रूप है और सैद्धांतिक रूप की मान्यता सिद्धांत के रूप में ही होती है उसे व्यवहार के रूप में मान्य इसको व्यवहार सत्य कहते हैं कौन सा सत्य कहते हैं व्यवहार सत्य में ऐसे कह देते भैया परमात्मा की कृपा है परमात्मा मिला ये व्यवहार में बोलते हैं सब भगवान की कृपा है भगवान की कौन सी कृपा है भगवान अपने में है तुम अपने में लेकिन व्यवहार सत्य में ये शब्द को स्वीकारा जाता है लेकिन सिद्धांत में ये शब्द को स्वीकार नहीं कर सकते किसमें नहीं स्वीकार कर सकते अगर जरा से भी गहराई में घुसे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा लट्ठ बच जाएंगे रास्ते चलते जाते क्या कह देते हो ये मकान किसका है महाराज आपका ही है लिंग पट्टा नानी याद आ जाएगी लेकिन व्यवहार सत्य और उस सत्य के रहस्य को समझोगे तब तो अपना बना जाएगा और शब्द के अर्थ को समझोगे तो शब्द के अर्थ कितना बड़ा एक मिनट में सारा मामला ही बदल जाएगा अर्थ की गहराई में जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है कई बार परम पुरुष यानी कि उत्कृष्ट पुरुष और उत्कृष्ट कौन होगा जो अपने से ऊपर होगा गृहस्थी जीवन में वही महापुरुष हो गए कौन से हैं और महापुरुष तो आप किसी को भी कह दोगे लेकिन अपने महापुरुष तीर्थंकर को जन्म से कहने के उपरांत भी जब तक कर्म नाश नहीं किए तब तक नहीं माना तब तक वो गृहस्थी हैं महाराज ही रहेंगे और तीर्थंकर गृहस्थ ही रहेंगे भले उनके जन्म कल्याण की हम आराधना कर ले। लेकिन व्यवहारिकता में रागी को रागी ही मानना पड़ेगा बीत रागी को कितना अंतर दे दिया और व्यवहार में क्या कहेंगे तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक भी है जय हो गर्भ की जय हो जन्म की बोलते कि नहीं पूजा पाठ भी करा देंगे लेकिन यूं अगर गृहस्थ में तीर्थंकर आ जाएंगे तो जय हो नहीं करेंगे तुम अपने में हम कुंथुनाथ भगवान के सामने यही स्थिति है कौन से भगवान के सामने हाँ कुंथुनाथ की सवारी निकल रही महाराज आ गए कौन आ गए महाराज आ गए सारे मंत्री और सेना तो नमस्कार कर रहे हैं लेकिन कुंथुनाथ भी यूं खड़े हो रहा था और राजा भी यही है वो महाराज भी अब सोचो क्या स्थिति बनती हुई कथाएं कई बार ऐसी प्रेरित बन जाती है कुंथुनाथ भगवान के जीवन में कि वन भ्रमण के लिए कुंथुनाथ गए वहां मणिराज मिल गए आपने नमन क्यों नहीं किया प्रश्न उठाया स्वयं स्वयंभो कौन है स्वयं स्वयंभू है लेकिन फिर भी व्यवहार निभाना पड़ेगा मणिराज अपने में है तुम नमन मंगन कुछ भी नहीं होता कितनी सारी चीजें छोटी सी बात है लेकिन परमांस आदित्य वर्ण सूर्य के समान किसके समान हो आप सूर्य के समान अमलम क्या हो आप मल से निर्मल हो सूर्य के समान तेजस्वी हो और कर्मों के मल से तमसा पुरस्तात आपने किसको नाश कर दिया है
अंधकार को, किसको नाश कर दिया है? पुरस्तात मोह रूपी अंधकार को आपने जीत लिया है। त्वमेव आप ही सम्यक उपलब्ध उत्कृष्ट सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है। किसको प्राप्त कर लिया है? सम्यक दर्शन को, उत्कृष्ट मतलब छायिक सम्यक दर्शन को, जो कभी नाश होने वाला हम लोग के पास कौन सा है। अब इसी को शास्त्रीय रूप में अगर डाल देंगे तो थोड़ा सा सम्यक जहां शब्द आएगा तो वहां सम्यक तो का वर्णन करने लगेंगे कि सम्यक दर्शन तीन प्रकार का होता है, उपसम सम्यक, उपसम सम्यक, छायिक सम्यक। उपसम सम्यक किसे कहते हैं? बोले जो सात प्रकृति को उपसम कर देवे। सात प्रकृतियां कौन सी है? तो बोले मिथ्या सम्यक, मिथ्या सम्यक प्रकृति, अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ। ये कब पैदा होता है? बोले जब चार गुण प्रगत हो जाते हैं, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोले फिर आज्ञा विचय धर्मदान, अपाय विचय धर्मदान, विपाक विचय धर्मदान, संस्थान विचय धर्मदान। अब ये सब लंबा चौड़ा विखंड चालू हो जाएगा जहाँ शास्त्र में जाऊंगा तो, किस में जाऊंगा तो, और अभी आपके बीच में जाना नहीं मुझे, ये तो आप करेगा क्या हो गया राज महाराज को है? हाँ, तो फिर ये सारी चीज आ जाती है। अब इसी को शास्त्र में डाल दिया तो सम्यक उपलब्ध, सम्यक की जहां बात कर जाएंगे तो फिर उसमें सारा मिथ्यात्व का वर्णन कर देंगे कि तुम्हारे वही पाप कर्म में 17 कर्म की प्रकृतियां हैं, ये सारी चीजें फिर उसमें अब आने लगेंगे। तो किताब करणानुयोग आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? अभी कौन सा चल रहा है? चरणानुयोग। भक्ति क्या है? चरणानुयोग, आचरण है भक्ति। और करणानुयोग में उसमें क्या आ जाएगा? कर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और द्रव्यानुयोग में क्या आ जाएगा? भगवान जैसे तुम हो वैसा मैं हूं। और प्रथमानुयोग में ये भगवान जैसा आपने किया वैसा मुझे करना है, और कुछ भी नहीं। चारों चीजें ऐसी है। कितना सरल है बताओ चारों अनुयोग, और कितना कठिन बता देते हैं। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, कितना सरल है आप सोचो तो। प्रथमानुयोग का मतलब क्या है? हे भगवान जो आपने किया वो मुझे करना है, प्रथमानुयोग। चरणानुयोग बोले जैसा आपने किया वैसा मुझे करना है। करणानुयोग आपको कर्म ने नहीं छोड़ा, 6 महीने भूखे रहेगा, मैं गलती करूंगा तो मेरी क्या स्थिति बनेगी? आप जैसे को कर्म ने नहीं छोड़ा तो मुझे क्यों छोड़ेगा? तुम्हारा कर्म तुम जानो, हमारा कर्म अपने अपने ज्ञान। अभी कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। इसके बिना आपका काम भी नहीं चलता है, इसके बिना आपका काम भी नहीं चलता है। घर में भी तो आप यही समझाते हैं छोटे बच्चे को, इसके बिना आपकी व्यवहारिक वार्तालाप भूमिका ही नहीं बनती है। छोटा बच्चा गिर गया, रोने लगा, क्या करने लग गया? रोने लग गया। माँ उसके घुटने पे कपड़े पे कपड़ा झड़ते, देख वो गिरा था, रोया था क्या? बोले नहीं रोया। इज्जत का सवाल है, मुझे भी नहीं रोना। इज्जत का सवाल है, मुझे भी नहीं रोना। इतना साफ ने बोल दिया। ये कौन सा हो गया? प्रथमानुयोग। वो गिरा था, रोया था क्या? तो कमजोर है, जरा सा गिरा और रोने, इतनी सी बात में वो समझ जाता है। रोता रोता भी भले भीतर से रोना आ रहा हो, मुंह हिलता रहेगा लेकिन आवाज नहीं आएगी। फिर कितना मन हो जाता है उसका, कितना समझ जाता है। प्रथमानुयोग बड़े का दिखा करके छोटे को, चरणानुयोग कह देते कि देख के नहीं चला था ना इसलिए तो गिर गया। क्या बोलते तो? देख के नहीं चला था ना इसलिए तो। ये कौन सा नियोग है? समझदारी से काम। करणानुयोग, तुमने इसको गिराया था ना, आज मजा मिल गया तेरे को। कर्म अब बिना उसके बोल रहे हो। द्रव्यानुयोग तो राजा बेटा है, तेरे को चोट थोड़ी नहीं लगती। क्या बोलते थे हम? तो राजा बेटा है तूने तो। सांत्वना देकर के उसको क्या बना दिया? एकदम इतना महान बना दिया। क्या बना दिया? ये द्रव्यानुयोग है। तो भगवान आत्मा है, तेरा कुछ होने वाला बस, और कुछ नहीं है। दुनियादारी में जो चीज चलती है उसको धार्मिकता में बिल्कुल, और धार्मिकता में उसके जीवन का विस्तार है। क्या है ये? सम्यक उपलब्ध, आप परम उत्कृष्ट सम्यक को प्राप्त कर चुके हो। जयंत मृत्युम, आपने किसको जीत लिया है? किसको जीत लिया है? जन्म और मृत्यु को आपने जीत लिया है। अब इसमें इनडायरेक्ट में बता देंगे तो फिर एक उदाहरण दे देंगे कि जैसे आपके भगवान है लौट करके वापिस आते हैं, लेकिन हमारे जिनेंद्र भगवान एक बार चले गए तो दोबारा लौट करके आने वाले
फिर और उसकी व्याख्या करने लगेंगे तो कहने लगेंगे देखो श्रावकाचार्य ग्रंथ में क्या लिखा है, काले कल्प सतेज गते सिवानाम विक्रिया लक्षा, एक बार एक जीव यहाँ से कर्मनाश करके मुख चला जाता है तो दोबारा लौट करके नहीं आता है, और तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं कल्प काल बीतने के बाद वही भगवान लौट करके, तो तुम्हारे भगवान रागी हैं वापस लौट के आ रहे हैं, बस इतना संतर और कुछ भी नहीं है। और ये सब बातें होती है आपस में, होती है कि नहीं होती? अब देवताओं की उम्र तो हजारों लाखों सालों की होती है ना, अब लाख साल के बाद वो लौट करके आते तो वो देवगति के जीव हैं और हमारे देवाधीन, बस इतनी चीजें समझाते हैं और कुछ भी नहीं समझाते, और उसी में दुनिया की बातें आ जाती। नान्या शिवम, और आपके समान कोई शिव कौन नहीं है, शिव शिव का मतलब शिव भी है कल्याण भी है निर्वाण भी है निर्विकारपना भी है, शिव पदस्य, और जो आपका मोक्ष पद है मुनि मार्ग जो है अन्य कहीं पर भी नहीं है, बस भगवान का नाम कहती है। आपको लोग क्या कहते हैं, परम पुरुष कहते हैं, कर्म रहित कहते हैं, अमल कहते हैं, कर्मों को जीतने वाला कहते हैं, छाया समय दृष्टि कहते हैं, मृत्यु को जीतने वाला कहते हैं, और जो मार्ग आपका मोक्ष का मार्ग वही शिव का मार्ग है, अन्य किसी का मार्ग। अब आप देखो, अब शिव भगवान का ही नाम है अपने यहाँ, किसका नाम है, लेकिन जब भी जाप करोगे तो ओम नमः सिद्धिभ्यो तो आप पूरा कर लोगे, ओम नमः शिवाय नहीं कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे आप। हम कितना भी बोल दे, कितना भी शास्त्र बता दे, क्यों, क्योंकि अपन यहाँ धारणा है शिव का रूप दूसरा दे दिया है और आदिनाथ का रूप सिद्ध का रूप दूसरा दिया है, तो जो धारणा बनी हुई है क्या बनी है, धारणा, वो धारणा चीज होती है, और धारणा ही श्रद्धा हो जाती है, धारणा क्या हो जाती है, श्रद्धा हो जाती है। उसी चीज को और आगे बोल रहे हैं, त्वामाव्ययम् विभो मचिंत्य मसंख्य माध्यम ब्रह्मांड ईश्वर अनंत मनंग केतुम योगीश्वरम विदित योग मनेक मेकम ज्ञाना स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः, प्रवदन्ति संतः, संत लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वामाव्ययम्, आप कैसे हो, अव्यय हो, आपका कभी नाश होने वाला नहीं है, विभू आप क्या हो, आप क्या हो, विभू, विभू मतलब सर्वव्यापी, और अपने यहां भगवान को सर्वव्यापी किस रूप में माना है, ज्ञान के रूप में, भगवान सभी चीजों को जानते हैं इसलिए सब में व्याप्त है, और उनके यहां सर्वव्यापी किस में माना है, भगवान कणकण में है, कितना अंतर दे दिया, शब्द वही आ रहा है, वो कणकण में कह देते हो तो हम लोग क्या कह देते हैं, व्यंग कर देते हैं, अगर कणकण में तो इसमें भी भगवान है, अब उसका उद्देश्य क्या था, कणकण को जानने वाले बहुत भविष्य और अचिंत, आपको दुनिया की कोई भी चिंता, और उनको चिंता है कि दोबारा लौट करके हमें संसार को फिर से, तो ये केवल एक शब्दों का तर्क को समझोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, जैन और अन्य का भेद और कोई भेद नहीं है, और ये चीज बातों में होती है कि नहीं होती है, भाई वापिस कौन आएगा सृष्टि की रचना के लिए, जिसको दुनिया की चिंता होगी, और जिसको चिंता ही नहीं है खत्म था मामला, रास्ता ही बंद हो गया, अचिंत असंख्य, आप कैसे हो, असंख्य हो, एक नहीं हो, अन्य धर्मों में क्या कह दिया गया भगवान तो, लेकिन जैनियों में कह दिया नहीं अनंता अनंत है भगवान, और ये तो बातें और कुछ थोड़ी ना, ये सब व्यवहारिक बातें चल रही है, कौन सी बातें चल रही है, आद्यम आप ही पहले हो, क्योंकि सृष्टि की आदि में आदिनाथ पहले तीर्थंकर आद्यम, और रोज बोलते हो कि नहीं बोलते हो, आदिनाथ नाम है उनका पूरा, वैसे नाम क्या है, ऋषभदेव नाम है, वृषभदेव नाम है, लेकिन आप अक्सर क्या बोलोगे,
आद्यम असंकृत आद्यम ब्रह्मांड ईश्वर है। ब्रह्मा मतलब अनंत गुणों को प्राप्त करने वाले, ब्रह्मने आत्मने चरति, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। परम ब्रह्म बोलते ही नहीं अपने, जो मैं बोल रहा हूं वो शब्द ब्रह्म है और जो भगवान है वो परम ब्रह्म है। यानी कि जिनेंद्र भगवान परम ब्रह्म है और जिनवाणी शब्द ब्रह्म है। कौन है जिनवाणी? कौन सा ब्रह्म है? अनंत है, सबको जानने वाला है। ब्रह्मांड मीश्वर आप कैसे हो? परम ऐश्वर्य को प्राप्त हो चुके हो, इसलिए क्या हो? ऐश्वर्य मतलब ईश्वर, कृत्य कृत्य हो गए, अब आपको कुछ पाना शेष। अब ये सब चीजें भगवान के लिए, किसके लिए है? और ये सारी बातें दुनियादारी में आपकी होती है। अब इसमें कोई भी आपको ऐसे कल्याण की बात नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होता, कोई ऐसा कुछ नहीं। संसार में पहले सदाचार्य तो बहुत थे, पहले भी बताया था आपको, बस जिनेंद्र भगवान के पास लाना था तो वो जैनाचार्य हो गया, और कुछ थोड़ी, और कुछ नहीं। और अगर व्रत ले लिया तो वो श्रावकाचार्य हो गया, क्या हो गया? श्रावकाचार्य। और दीक्षा ले ली तो श्रवणाचार्य हो गया, क्या हो गया? श्रवणाचार्य हो गया। और कर्म खप गया तो जिनाचार्य हो गया, क्या हो गया? ये लेनी तो है आपके, ये लेन ही है। अभी आपको सदाचारी तो कह सकता हूं मैं, क्या कह सकता हूं, लेकिन पूर्ण रूप में नहीं कह सकता जैनाचार्य हो। लेकिन आप अपने व्यवहार को देखो तो आपको लगेगा आप सदाचारी भी नहीं हो सकते हो। हो सकता है कोई शराब पीता हो इसमें, सदाचारी इसको कहेंगे नहीं। कोई जुआ खेलता हो बैठ करके दास, उसको सदाचारी भी नहीं कहेंगे। खटकर्म कर रहा हो, इधर उधर क्लबों में जाकर के दुनिया भर का काम कर रहा हो, हम उसे सदाचारी, भले वो पूजा क्यों ना कर रहा हो, महाराज को हार क्यों ना दे रहा हो, दिखने में तो जैनाचारी लग रहा है लेकिन है सदाचारी भी, तो किससे गया बीता हो जाएगा? जो इस नियम का पालन कर रहा, जो पालन कर रहा उससे भी वो जैनी खराब हो जाएगा। तो आज के युग में सदाचारी बनना भी तो कठिन है। क्या बनना कठिन है? सदाचारी बनना भी कठिन है। जिस घर में झांकोगे पता लग जाएगा या जैनाचारी कितने हैं, सदाचारी कितने हैं और दुराचारी, और दिखता कुछ हो रहा है, दिखने में ऐसा लगेगा क्या हम लोग तो रोज तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और भीतर से मामला, भीतर से मामला, और सबके घरों में छुपे होते हैं। कोई बिरली आत्मा होती है जिसके परिवार में व्यसनों से मुक्त पूरे घर के सदस्य बहुत किस्मत वाले होते हैं। पैदा होना जैन कुल में बहुत सरल है, क्या होना? पैदा होना बहुत सरल है, लेकिन उस पैदाइश को उस कुलाचार रूप में सार्थक करना बहुत, इसलिए कि कहते हैं जैन होना सरल है, जैनी होना, जैन तो सब है पर जैन तो, लेकिन जैनी कितने हैं? जैनी कितने? यूं हाथ उठाने में भी डर लगेगा कि बाजू वाले कहते हैं मालूम मेरे घर उपवास करता है, तो ये की बात तो छोड़ दो अभी, किसकी बात छोड़ दो, ये की बात तो छोड़ दो। और छुपे हुए अक्सर करके जिसकी जितनी जेब गर्म हो जाती है या जितना बाहर का सर्कल होता है, मामला लगता तो, ये सब तो केवल अपन बता रहे हैं बस आपको खुश करने के लिए, लेकिन खुश तो वही है जैन धर्म का जितना तुम्हारे में आचरण आ गया। इसलिए जैनियों में ड्रेस और भेष की कोई भी पहचान नहीं है, सारे धर्मों में ड्रेस की पहचान है, जैन श्रावकों में ड्रेस की पहचान, उसमें केवल आचरण की पहचान है। किसकी पहचान है? आचरण की पहचान है, सबसे बड़ी विशेषता है। ईश्वर कह दिया, किसको कह दिया? ईश्वर कह दिया। ईश्वर का मतलब कृत्य कृत्य हो गए, परम ईश्वर को प्राप्त, अनंत क्या हुआ? यानी अब आपका अंत होने वाला, एक बार चले गए तो अनंत। और कौन सा है? अनंग केतु। कौन सा है? अनंग केतु मतलब आप कामदेव हो, संसार का कोई भी कर्म आपके पास नहीं है, काम को आपने नष्ट कर दिया है। योगीश्वरम
आप निरंतर योग मन वचन काय की चंचलता को विराम दे चुके, इसलिए आप कौन हो? कौन हो? पहले योगी किसे कहते थे? मन वचन काय की चंचलता को रोक दिया, वो कौन था? योगी। अब जिसका जितना ज्यादा चंचल है वो कौन हो गया है? देखो परिभाषाएं देखते जाओ आप अपने आप। योगी स्वरम विदित योग मने कमी कम, विदित योग मतलब सब कुछ जानने वाले हैं, इसीलिए आप लोग यही नाम लिखते हो सबसे पहले। आपको विदित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि विदित करते हुए अब सूचना आ गई, सब अब जानकारी आ गई। विदित मतलब जानने वाला, क्या होता है विदित योग मनेक में कम, आप अनेक भी हैं और एक भी हैं, क्योंकि भगवान तो अनंत है सिद्ध, और अगर व्यक्तिगत लोग तो आप अकेले ही हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए। विदित योग मनेक में कम ज्ञान स्वरूप, आप ज्ञान के स्वरूप है अमलम, और आप मल से रहित हैं। प्रवदंति संतः, ऐसा कौन कहते हैं? संत कहते हैं। कौन कहते हैं? संत कहते हैं। तो अभी बताते जा रहे भगवान के नाम, जो 1008 नाम होते उसमें से कुछ कुछ नाम छाट लिए, और वो उनको बता रहे हैं। मेरे लिए तुम इधर उधर की बात कर रहे हो, वो कुछ नहीं है, मेरे लिए ये गुण है इसलिए वो हमारे लिए पूज्य है, और ये गुण नहीं है तो हमारे लिए पूज्य। उसी को फिर आगे कह रहे हैं, बुद्धस त्वमेव विवधारचित बुद्धि बोधार, तुम संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात्, दातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, वृत्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। वही बात कह दी, बुद्धस्त्वमेव विवधारचित बुद्धि बोधात्, आप ही हमारे लिए क्या हो? कौन हो? बुद्ध हो। क्यों? विवधारचित बुद्धि बोधात्, जो देवता हैं और जितने भी विद्वान हैं वो भी आपकी अर्चना करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? अर्चना करते हैं। किसकी? 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 बुद्धिमान भी जिसकी अर्चना करता है तो वो गुणवान की अर्चना करेगा, बुद्धिमान की नहीं। ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? बुद्धिमान बुद्धिमान की अर्चना नहीं करता, बुद्धिमान गुणवान की अर्चना करता है। किसकी अर्चना करता है? तो आदिनाथ कौन है? गुणवान है। और ये सामान्य देवी देवता कौन है? ज्ञान है। ज्ञान किसी के पास नहीं, मति ज्ञान है, सुख ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, और कितने लोगों के पास कितना सारा ज्ञान है। विबुधार्चित बुद्धि बोधात, अर्थात ज्ञानियों के द्वारा आप पूज्य हो, इसीलिए हमारे लिए आप क्या हो? बुद्ध हो। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात, तुम संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात्, आप ही हमारे लिए क्या हो? शंकर हो। क्यों? भुवनत्रय संकरत्वात्, क्योंकि तीन लोग को शांति देने वाले कौन है? और आपका तो वो शांति का रूप कब से है? बोले जिस दिन गर्भ से जन्म में आए उसी क्षण तीन लोक में क्या मिल गई थी एक क्षण के लिए। तो शंकर का मतलब क्या होता है? शांति को देने वाला। तुम शंकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विनानात्, हैं? धाता असि यानी आप ही ब्रह्मा हो, क्योंकि आपने किसका निर्माण किया है? विधेर विधानात्, मोक्ष मार्ग का निर्माण किया है, इसलिए आप क्या हो? विधाता। आप क्या हो? और विधाता का मतलब क्या कहते हैं? सृष्टि को बनाने वाला। और सृष्टि को बनाने वाला किसको कहते हो? ब्रह्मा। देखो ना शब्द का ध्यान रखना, उधर क्या कहते हैं सृष्टि को बनाने वाला? ब्रह्मा। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? आप सृष्टि को तो नहीं बना रहे हो लेकिन आप विधाता हो, मोक्ष मार्ग को बनाने वाले। किसको बनाने वाले हो? मोक्ष बना को विधेय विधानात्, मोक्ष मार्ग को किसने बनाया है? आदिनाथ ने बनाया, क्योंकि उनके पहले कोई मुनि भोग भूमि थी। कौन सी भूमि थी? तो ये सब शास्त्रीय बातें हैं। कौन सी बातें हैं? शास्त्रीय बातें हैं। अब इसी को हम लोग आजकल भजनों में बहुत सारे बोलते हैं ना, भगवान के लिए बोलते थे कि आपकी कृपा आपके द्वारा ही चल रहा है, तो ये विधि विधानात अन्य दृष्टि से हो जाता है।
अपने यहाँ तो मोक्ष मार्ग का जो निर्माण है वो आदिनाथ भगवान। कौन से भगवान? आदिनाथ भगवान, ब्रह्मा विष्णु और बनाने वाला, रक्षा करने वाला और मिटाने वाला, तीन चीजें बोलते। तो अपने आप बताया गया मोक्ष मार्ग को बनाने वाला, किसको बनाने वाला? और उसकी सुरक्षा करने वाला विष्णु, और उसके उपरांत तीसरे नंबर पर क्या कहा? मिटाने वाला, यानी तुम्हारे पापों को मिटाने वाले, तुम्हारे आचरण को बनाने वाले, तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने वाले और तुम्हारे पाप को मिटाने वाले कौन है? आदिनाथ भगवान। वही तुम्हारे लिए कौन है? ब्रह्मा विष्णु और अब नाम वही है और कुछ भी नहीं। इसीलिए तो इन सबको मिला करके नाम बनाया है। इंग्लिश में पढ़ते हो ना भगवान को क्या बोलते? गॉड। क्या बोलते हैं? गॉड। कौन सा शब्द उसमें? जी ओ डी, जी फॉर जनरेट करने वाला, बनाने वाला कहते हो, ओ फॉर ऑर्गेनाइज करने वाला, उसको चलाने वाला, डी फॉर डिस्ट्रॉय, मिटाने वाला। ये तीन नाम किसके हैं? गॉड के, ब्रह्मा विष्णु और बनाने वाला, चलाने वाला और वो शब्द उससे बना दिया। पूरा संक्षिप्तीकरण हो गया। क्या हो गया? संक्षिप्तीकरण हो गया। लेकिन आप लोग क्या हो गए? उसका उल्टा, जी ओ डी, और उल्टा चलो तो डी ओ जी। क्या क्या हो गया? नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा ना, उल्टा है कि नहीं? और ये शब्द बनाए तो ये आचार्य समंत्र भद्र का श्लोक है। किसका श्लोक है? डॉग और बोर्ड। किसका श्लोक है? समंत्र भद्र का श्लोक है। उन्होंने लिखा स्वापि देवोपि देवा स्वा जायते धर्म के निशान। कोई भी अगर रत्न ग्रंथ को पढ़ा होगा तो ये श्लोक होगा उसमें कि देवता कुत्ता बन जाता है, कुत्ता भी देवता बन जाता है। अगर आचरण खराब हो तो कुत्ता बन गया और आचरण अच्छा हो तो, बस इतना ही अंतर है। अब आप अपने आप में सोच लो आप क्या हो, जैनी हो, सदाचारी हो, तो फिर समझ लेना देवता हो, क्या हो? और अगर सदाचार नहीं है, वही व्यसन चल रहा है, तो आप क्या हो? फिर तो भक्तामर कितना भी पढ़ लो अमर होने वाले, पुण्य तो मिलेगा। क्या मिलेगा? पुण्य तो मिलेगा, लेकिन कर्म अच्छा है नहीं होगा। ये यहां पर कह रहे हैं। तो क्या कह दिया? धाता सी धीर सिव मार्ग विधे पिनाना व्यक्तम तमेव भगवन पुरुषोत्तमोसी। और स्पष्ट रूप से आप मनुष्यों के देवता, नारायण, महापुरुष, पूज्य पुरुष हो। पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम असी, पुरुषों में श्रेष्ठ हो। पुरुषोत्तमोसी का मतलब पुरुषों में आप श्रेष्ठ हो, इसीलिए आप महापुरुष हैं। कौन है? तो यही सब आ गया, और कुछ थोड़ी ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं आपको? तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ती हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। पहले तो सारी परिभाषा बता दी कि आप अचिंत क्यों हो, पुरुषोत्तम क्यों हो, शिव क्यों हो, बुद्ध क्यों हो, शंकर क्यों हो, असंख्य क्यों हो, एक क्यों हो, अचिंत क्यों हो, ईश्वर क्यों हो, ब्रह्मा क्यों हो, सारी परिभाषा बता दी। अब उसके उपरांत प्रणाम कर रहे हैं। अगर ये गुण है तो नमः, तुभ्यम नमः। अगर ये गुण है तो मेरा क्या है आपको? नमस्कार। और वो नमस्कार क्या करेगा? त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तीन भुवन के जीवों के दुखों को दूर करेगा। अर्थ ध्यान बोलते हो ना, अर्थ ध्यान मतलब पूरे ध्यान का नाश करेगा, हरण करेगा। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? क्षिति तलामल भूषण ना जाए, क्योंकि पृथ्वी तल में आप ही निर्मल आत्मा हो, दूसरा कोई निर्मल आत्मा, यानी जिसने कर्मों का क्षय कर दिया है। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। क्यों? त्रिजगत परमेश्वर आया, क्योंकि आप तीन लोग के क्या हो? परमेश्वर हो, नाथ हो, सीधी सी बात है। तुभ्यम नमः,
मैं आपको इसलिए नमस्कार कर रहा हूं जिन बहुत अति शोषणाया, क्योंकि हे जिनेंद्र भगवान आप ही मेरे संसार को सुखाने वाले हो। संसार को आप क्या करने वाले हो? शोषण करने वाले। मेरे पाप को क्या करने वाले हो? इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं? बस जो हमारे दुखों को दूर करे, जो तीन लोक का नाथ है, जो हमारे पापों को मिटाए और जो पृथ्वी में भी निर्मल हो, उसे मेरा बारंबार, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए सब श्लोकों को पढ़ते हुए बोलते चले जाओ। क्या बोलो? त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांसः। ग्रामपति का क्या नाम है? कैलाश। ऊंची गिरी, उसके आप अधिपति हो, ये भगवान के नाम है। बुद्ध स्वामी व विबोधार्जित बोधि बोधार। तुम संकरो शिभुवन त्रय शंकर
कितने हो गए, घाटी उतर गए 24 के बाद, अब ढाल आ गई है, अब ढाल में तो जल्दी उतर जाऊंगा। किसमें उतर जाऊंगा? ढाल में जल्दी। हाँ, चढ़ने में आपको 2.5 घंटे लग जाते हैं और उतरने में 1 घंटा। कितना लगता है? 1.5 घंटे का फर्क पड़ जाता है, पड़ जाता ना, वैसे पड़ जाएगा इसमें, इसमें पड़ जाएगा 24 × 48। इसी भावनाओं के साथ चलिए। ओम नमः। कुछ पूछना इसमें नहीं। जावाणी के ज्ञान के सूचे योगा को प्रभु जी श्री भूषण सागर जी महाराज की जय। श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। दोस्तों आप सभी उदित हैं कि 14 तारीख और 15 तारीख को विधान महाराज जी के सानिध्य में हम सभी लोग नहीं नहीं आ रही थी। बादल गया, गर्मी को नीचे रोक लेता है। कट नहीं मारा मैंने अब तक। बोलो बोलो। चौके वालों को जाने दो, पहले चौके वालों को जाने दो। आ रही है, आ रही है, बैठो, आ जाए।
चलिए परम पूज्य गोदी श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। ओम रीम परम पूज्य गोदी श्री सौरभ सागर मंदिरे अत्रे अवतरतर शंभो षट्य वर्णम। ओम रीम परम पूज्य गोदी श्री सौरभ सागर मंदिरे अत्रतिष्ठ हतिष्ठ भाखर स्थापनम। ओम रीम परम पूज्य गोदी श्री सौरभ सागर मंदिरे वंशमिदो भव भव षट्छन्दि वरणम पुष्पांजलि निक्षिपेतो। Ha!
Thank you.
दे रहा हूँ। Dragon
डाल दीजिए। Thank you.
आप उठ जाइए अंदर, घूम लो। इसके बाद ये पूछ रहे हो, इसके बाद पूछ रहे हो, चलो Thank you.
कड़ी नहीं हो कड़ी कड़ी कमंडल